कि जाट को जाट डराता है, केवल ये जाट बोली जाती है, इसको बदनाम कर गुमराह कर। पूरे मेवाड़ में चारों जिलों में एक भी जाट को टिकट नहीं दिया। क्या पार्टी पदाधिकारियों को सबको पता नहीं कि इसके परिणाम विधानसभा में क्या होंगे? आके जाट जाके खिलाफ प्रचार करेंगे तो बीजेपी क्या हालत होगी? हमारा विरोध का थोड़ा तरीका जोरदार ढंग से करना था, इसलिए केवल कागज पकड़ा के नहीं जाना था। हमें पूरी बात कहनी थी, इसलिए बैठना पड़ा। हमें इसलिए बैठना पड़ा कि सीपी जोशी साहब उपचुनाव में साढ़ा विधानसभा में 2 महीने वहीं रहे और उनको ध्यान था कि यहाँ जाट कौन सा जीत सकता है। उनकी देख रेख के बावजूद भी जाटों को दरकिनार करने के लिए जिस आदमी को टिकट दिया उसने दोनों बार जाट समाज को हराया। अगर अब टिकट नहीं और इसमें अगर जाट को वहाँ से टिकट मिलता तो वो 100% अच्छे बहुमत से जीतता। तो एक जाट समाज का पूरे मेवाड़ में जो प्रतिनिधित्व करता आ रहा था और जो वहाँ से हम टिकट मांग रहा था, जैसे मैं खुद दावेदार था, तो मैंने इन 5 साल में हर घर हर गली जो पार्टी की रीति नीति हर रात्रि प्रवास संगठन के सारे काम जिस तरह से किए कि एक कार्यकर्ता इससे ज़्यादा सोच नहीं सकता, पार्टी सोच नहीं सकती, पर भ्रम फैलाया गया कि जाट को जाट हराता है, बल्कि ऐसा कहीं नहीं होता। अभी महाजन को टिकट दिया, क्या महाजन को वह महाजन हराएंगे क्या? पर केवल ये जाट बोली जाती है, इसको बदनाम कर गुमराह कर केंद्र नेतृत्व को गलत मैसेज दिया और यहाँ से जाट का टिकट काटा, इसलिए जाट समाज का अब टिकट नहीं मिलता है तो फिर आप लोगों को क्या रोक रहने वाला है? हम इसीलिए यहाँ देना है कि भाई आप अभी इसका विरोध रहेगा, इस टिकट को बदलो। कोशिश करेंगे चेंज हो, 100% होने की संभावना है। यदि नहीं होता मैं बताता हूँ। यदि कहाँ से हैं आप लोग? गंगापुर के। क्या मांग को लेकर आप लोग यहाँ बैठे? मैं के टिकट की मांग, 60 साल को टिकट हो जाट समाज को, जिसको काट के पीतले जी 2 बार खिलाफ लीडिया नीर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी हराए, जिसको तो टिकट दिया और 60 साल मांग 4 जिला में एक ही एक भी जाट को नहीं दिया। अभी क्या क्या आश्वासन मिला आप लोगों को मेवाड़ में? एक भी जाट को दूसरा कौन सा? शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मनफुल चौधरी है। मैं डिप्टी कमिश्नर जीएसटी से वीआरएस लिया 2022 में। हम मेवाड़ के चारों जिलों के भीलवाड़ा चित्तौड़ राजसमंद और उदयपुर चारों जिलों के सारे प्रतिनिधि पदाधिकारी हैं यहाँ पे आए हैं। पूरे मेवाड़ में चारों जिलों में एक भी जाट को टिकट नहीं दिया, जबकि चारों जिलों में एक एक जिले में एक एक जाट का टिकट का हक बनता है। अन्य समाजों का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया, उनको ज्यादा क्यों दिए? ब्राह्मणों को 3 टिकट दे रखे हैं, राजपूतों को 4 टिकट दे रखे हैं, वैश्य को 4 टिकट दे रखे हैं और जाट को एक भी टिकट नहीं। आखिर इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा, कोई तर्क तो होगा। क्या पार्टी पदाधिकारियों को सबको पता नहीं कि इसके परिणाम विधानसभा में क्या होंगे और लोकसभा में क्या होंगे? 4 लाख वोटर चित्तौड़ में लोकसभा में है, 2.5 लाख वोटर भीलवाड़ा में है, 2.5 लाख वोटर राजसमंद में है, डेगाना से जुड़ा हुआ, डेगाना में भी जाट है। अगर यहाँ के जाट जाके खिलाफ प्रचार करेंगे तो बीजेपी क्या हालत होगी? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, इस पर पुनर्विचार करें और चारों जिलों में से कहीं से भी एक जाट को टिकट दे। हम ये नहीं कहने के पर्टिकुलर सीट पर दे दी, ठीक है, कम से कम एक टिकट हमें दे।